नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग मैथमेटिक्स क्लास 10th के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण को। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होते हैं। तो सपोज कीजिए पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक पॉलीनोमियल्स आपको दिया हुआ है। तो ऐसा पॉलीनोमियल्स जिसके वेरिएबल्स का मैक्सिमम पावर 2 हो, वैसे पॉलीनोमियल्स को हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स। क्या कहते हैं दोस्तों? क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स, जहां पर ए बी एंड सी आर रियल नंबर होंगे, रियल नंबर, और ए नॉट इक्वल्स टू जीरो। अब आप दोस्तों देख सकते हैं कि ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, इसमें इसका एक्स जो है, इसके वेरिएबल्स कौन हुए? एक्स हुए। एक्स का मैक्सिमम पावर इसमें कितना है? 2 है, और यहां पे एक्स का मैक्सिमम पावर कितना है? 1 है। तो इसमें 1 और 2 में जो मैक्सिमम पावर है वो 2 हुआ, इसीलिए जब 2 हुआ इसीलिए इसको हम बोलते हैं द्विघात बहुपद। क्या बोलते हैं दोस्तों? क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स। तो इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स, मतलब द्विघात बहुपद, बहुपद जिसका घात 2, पावर मीन्स घात, जैसा पॉलीनोमियल्स जिसमें वेरिएबल्स का पावर, मैक्सिमम पावर 2 हो, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स या द्विघात बहुपद। अब अगर इस पॉलीनोमियल्स को अगर हम 0 के इक्वल कर दें, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 लिख देते हैं, तो ये एक समीकरण बन जाता है। ये पॉलीनोमियल्स क्या कहलाएंगे? इक्वेशन हो जाएंगे, और इसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी कि द्विघात समीकरण। ठीक है दोस्तों, अब ये इंपोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि 10th क्लास एग्जाम में ये बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर हो जाते हैं और इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं दोस्तों कि ऐसा इक्वेशंस जिसमें एक्स का मैक्सिमम पावर 2 हो, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलाते हैं। अगर सपोज कीजिए कभी कभी ऐसा भी दिया रहेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो यहां पे भी हम देख सकते हैं कि x का मैक्सिमम पावर जो 2 है वो यहां पे 2 ही है, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं। अब आप कह सकते हैं दोस्तों कि हमने यहां पे लिखा है कि a b c आर रियल नंबर्स बट a नॉट इक्वल्स टू 0। a नॉट इक्वल्स टू 0 इसीलिए हमने बताया है क्योंकि अगर a एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है दोस्तों? एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट a है। अगर a 0 के बराबर हो जाएगा तो ये टोटल एक्स स्क्वायर, यानी कि ये टोटल टर्म्स क्या हो जाएंगे? इक्वल्स टू 0। तो बच क्या जाएगा? अगर इसको ये 0 हो जाएगा तो बी एक्स प्लस सी ओनली बच जाएगा, और बी एक्स प्लस सी में आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम पावर कितना हो गया? 1 हो गया, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहा। तो इसीलिए कंडीशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हम इसमें एक्स के जो घटते पावर, जो पावर है उसको घटते क्रम में लिखते हैं, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। और इसी फॉर्म में a नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अगर a 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और हमें bx प्लस c हो जाएगा, जहां पे वो क्वाड्रेटिक को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। तो अब इसमें हम चेक करेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि चेक इट इज क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स और नॉट। तो आप इसके लिए मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूं, उसको देख के आप समझ पाएंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम चेक कैसे करते हैं, और उसके बाद इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का हम लोग रूट्स देखेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या है वो देखेंगे। तो दोस्तों यहां पे हमने दो एग्जांपल लिया है, ये x स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2x प्लस 3, और दूसरा एग्जांपल लिया है x इंटू x प्लस 1 प्लस 8 इक्वल्स टू x प्लस 2 इंटू x माइनस 2। अब इस दोनों इक्वेशन को हम चेक करके ये देखेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हाई या नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशन में से इसी तरह के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। तो हम चलिए एग्जाम्पल 1 को आप लेते हैं। एग्जाम्पल 1 को लेंगे तो इस तरह का जो भी आपको दिया होगा दोस्तों, बिना उसको सिंप्लीफिकेशन किए हुए आप ये नहीं कह सकते एग्जैक्टली कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। कभी कभी देखने में लगता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन वो एक्चुअल होता नहीं है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि वो नहीं है फिर भी वो होता है। तो आप एग्जाम्पल 1 और 2 से इस बात को समझ सकते हैं। एग्जाम्पल 1 को अगर आप सॉल्व करेंगे इस तरह से अगर देखेंगे तो आपको कहीं भी एक्स के पावर 2, मैक्सिमम पावर 2 दिखेगा नहीं, लेकिन जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व कीजिए एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस
1 = 2x + 3 दिया हुआ है। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा x²a - b² के फॉर्मूले पे अगर तोड़ेंगे तो x²-4x + 4 = 1 = 2x + 3। और आप अगर इसको इस साइड ले आएंगे तो x²2x इधर आएगा तो इसमें ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा -6x और ये +5 - 3 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 = क्या हो जाएगा 0। अब आप देख सकते हैं दोस्तों ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ गया, जैसे x²-6x + c = 0। अब a की जगह पर क्या है कोफिशिएंट 1 है, b का स्थान क्या है b = -6 है और c का वैल्यू क्या है 2 है, तो a = 1 b = -6 और c = 2। ये तीनों नंबर रियल नंबर है और हमें x का मैक्सिमम पावर मिला हुआ है, इसका मैक्सिमम पावर कितना है 2 है। That means, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इस फॉर्म को वो सेटिस्फाई करता है, दैट्स व्हाई दिस इक्वेशन गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम उसी तरह से एग्जांपल 2 को देखते हैं तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे दोस्तों तो अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x² इसमें x से 1 करेंगे तो x + 8 = ये हो जाएगा a + b और a - b का फॉर्मूला से अगर आप तोड़ेंगे तो अल्जेब्रा का फॉर्मूला a + b * a - b = होता है a²-b², तो आपको इससे आ जाएगा x²-4। अगर यहां पे देखेंगे तो x² NHS और RHS में कट जाते हैं तो यहां क्या बचा दोस्तों x + 8 = -4। अब ये -4 इस साइड आएंगे तो x + 12 हो जाएंगे = 0। अब आप इसमें देख सकते हैं दोस्तों कि इस इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां पे x² का कोफिशिएंट है ही नहीं, यानी कि x का मैक्सिमम वैल्यू कितना है 1 है, नहीं कुछ है तो 1 है और x² का मैक्सिमम वैल्यू 2 वाला कोई भी पद इसमें नहीं है, इसीलिए ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुआ और ये इक्वेशन नंबर 1 जो है वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो बिना सिंप्लीफिकेशन किए आप ये नहीं कर सकते कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, अगर सिंपली फॉर्म में है सिंप्लीफाइड फॉर्म में है तो आप देख के बता सकते हैं, अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है तो आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब दोस्तों एक्चुअली हम इस इक्वेशन का रूट्स मूल कैसे निकालेंगे, उसका हल कैसे करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं क्योंकि आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सपोज कीजिए ये दिया हुआ है x²-5x + 6 = 0। अब इसका मूल क्या होगा, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या किसी भी बहुपद में मैक्सिमम जो वैल्यू होता है उसके हल का, उसके रूट्स जो होते हैं वो जितने पावर का इक्वेशन होगा, यानी x का मैक्सिमम जितना वैल्यू होगा जितना पावर मैक्सिमम होगा उतने ही उसके रूट्स होंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का मैक्सिमम पावर कितना होता है 2 होता है, तो यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमेशा जो सॉल्यूशन होगा वो हमेशा 2 सॉल्यूशन होगा, यानी ये कह सकते हैं कि x के दो वैल्यू होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे या किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, उसमें x उसके वेरिएबल्स का 2 वैल्यू होगा, 2 सॉल्यूशन निकलेगा और उसी 2 सॉल्यूशन जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है उस 2 सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 9th क्लास में आपने सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा होगा जिसका आपने फैक्टराइजेशन मेथड गुणनखंड विधि से सॉल्यूशन किया होगा। यहां पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्पेशल फॉर्मूला भी बताएंगे आपको और आप देखेंगे इसका सॉल्यूशन कैसे होता है। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होगा वो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब सपोज कीजिए दोस्तों कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका रूट्स x का वैल्यू मान लेते हैं कि कोई अल्फा है। ठीक है दोस्तों, x = α इज द 1 रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यानी कि अल्फा जो है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। यानी कि हम ये लिख सकते हैं दोस्तों कि x की जगह पे अगर अल्फा पुट करते हैं तो a² + b² + c = 0, यानी कि जो अल्फा है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इसी तरह से हम एग्जांपल में एक आपको लेके समझाते हैं दोस्तों, जैसे देखिए कि एक एग्जांपल हमने लिया 2x²-5x + 3 = 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे x का मैक्सिमम पावर क्या है 2 है। अब इसका जो आप इसका रूट्स निकालेंगे, इसका हल करेंगे तो कैसे निकालेंगे, x का वो कौन सा वैल्यू होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो इसके लिए पहले आप फैक्टराइजेशन मेथड जानते हैं कि कैसे निकालते हैं दोस्तों। तो इसके लिए पहले जो ये टर्म होता है बी वाला टर्म, आप इसको 2 पार्ट में तोड़ा जाता है और तोड़ा इस तरह से जाता है कि इसका जो
एडिशन होगा, ये दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। यानी ये कह सकते हैं आपको कि आपको इस तरह से इसको दो पार्ट में तोड़ना पड़ेगा कि जो दो पार्ट होंगे उसका एडिशन तो 5x हो जाए, माइनस 5x हो, और मल्टीप्लीकेशन इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा 6x2। अगर फर्स्ट टर्म ये हो गया, फर्स्ट टर्म ये हो गया, सेकेंड टर्म ये हो गया, थर्ड टर्म, तो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x2। तो आपको माइनस 5 को इस तरह से बांटना है दो भागों में कि उसका मल्टीप्लीकेशन तो 6x2 हो लेकिन उसका एडिशन, दोनों पार्ट का एडिशन माइनस 5x हो। तो जैसे आप देखिए इसको हम अगर ऐसे लिखे 2x2 - 3x - 2x + 3 = 0। अब आप माइनस 3x और माइनस 2x को अगर देखेंगे तो ये माइनस 5x हो जाएगा, यानी दोनों का जो सम होगा वो माइनस 5x के बराबर होगा। और अगर ये दोनों पार्ट को मल्टीप्लाई करें 3x2 - 2x - 2x2 आप करते हैं तो ये हो जाएगा 6। माइनस 3x और माइनस 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6x2। यानी कि जो फर्स्ट और लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट का जो मल्टीप्लीकेशन है वो दोनों बीच का मल्टीप्लीकेशन के बराबर हो गया। तो इसी तरह के मेथड से हम इसका फैक्टराइजेशन, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन करते हैं। तो आप यहां से अगर आप x कॉमन ले लेते हैं तो कितना होगा 2x - 3, और यहां से कितना कॉमन आएगा तो -1 कॉमन आ जाएगा, तो हो जाएगा 2x - 3 = 0। अब इसमें 2x और 2x - 3 कॉमन आ जाएगा तो ये आ जाएगा x - 1 और 2x - 3 = 0। अब जब दो पार्टों का मल्टीप्लीकेशन 0 है तो आइदर दिस पार्ट और आइदर दिस पार्ट इक्वल्स टू 0। तो हम अलग अलग लें आइदर x - 1 = 0 और 2x - 3 = 0। अब यहां से x का वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो x = क्या आएगा 1 आ जाएगा जो कि एक वैल्यू होगा, और यहां से x का वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो -3/2 आ जाएगा, ये x का दूसरा वैल्यू आएगा। अब देखिए दोस्तों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो वैल्यू निकल गया, यही दो इसके रूट्स भी कहलाते हैं, x = 1 और x = 3/2। ये दोनों वैल्यू जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अगर आप रखना चाहें तो रख कर देख सकते हैं, x का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो 2 × 1 = 2 हो जाएगा, और इधर 3 है तो 2 और 3 = 5 हो जाएगा, और ये बीच में -5 रहेगा, तो ये कुल मिला करके 0 के बराबर आ जाएंगे वैल्यू रखने पर। अब इसका दूसरा तरीका है, ये तो सपोज कीजिए कि इसमें फैक्टराइजेशन हो जाता है, लेकिन किसी किसी में ऐसा वैल्यू यहाँ पर दिया रहता है जिसको आप बांट नहीं सकते हैं, और बांटने के बाद आपको पता नहीं, और ऐसा वैल्यू आप दो भागों में नहीं बांट सकते हैं कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो है वो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के बराबर हो जाए। तो उस केस के लिए जो रूट्स का वैल्यू दिया जाता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स जो दिया जाता है, रूट्स इक्वल्स टू एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला होता है -b + √(b²) - 4ac/2a। आप दोस्तों ये बहुत ही इंपोर्टेंट फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिस्पेक्ट में, इसको आप निश्चित रूप से याद रखें। अब ये आपका सारा कोफिशिएंट आपको पता होगा, b का वैल्यू पता है, a का वैल्यू पता है, c का वैल्यू, तो आप इससे डायरेक्ट केस में आप निकाल सकते हैं। अब सपोज कीजिए कि कोई भी इक्वेशन आपको दिया हुआ है, सपोज मान लीजिए कि यही एक इक्वेशन है, इसमें a का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, तो a का वैल्यू हो जाएगा 2, b का वैल्यू क्या हो जाएगा, b का वैल्यू हो जाएगा -5, और c का वैल्यू क्या हो जाएगा, c का वैल्यू हो जाएगा 3। अब इसका जो रूट्स निकलेगा दोस्तों, आप इसको वैल्यू को पुट करेंगे तो रूट्स को निकाल सकते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में और भी एक दो चीज पूछा जाता है, जैसे कि इस रूट, इसका रूट जो आएगा वो डिपेंड करेगा b²-4ac के वैल्यू पे, तो इसीलिए √(b²-4ac) को हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विवेचक या विभक्तर को हम डिस्क्रिमिनेंट करते हैं। अब इसका वैल्यू जो आएगा वो बताएगा कि ये रूट रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे, वास्तविक होगा या काल्पनिक होगा। तो दोस्तों इसका जो रूट्स है वो तो आप इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे, लेकिन एग्जामिनेशन में कभी कभी नेचर ऑफ रूट्स पूछे जाते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो वो नेचर ऑफ रूट्स मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिमिनेंट b²-4ac के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। तो डिस्क्रिमिनेंट b²-4ac यानी कि ये रूट नहीं होता है दोस्तों, सॉरी b²-4ac जो होगा वही डिस्क्रिमिनेंट होता है, तो डिस्क्रिमिनेंट b²-4ac के वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मुख्यतः वो होते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स यानी कि मूलों के प्रकृति कैसे होंगे। तो इसमें तीन तरह के कंडीशन हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों, इफ
बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो, अगर ये जीरो से बड़ा हो जाए यानी कि इसमें कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा, इसका जो स्क्वायर रूट है वो भी पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे दो वैल्यू आएगा, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ, तो यानी कि इसका जो रूट होंगे, इसका रूट होंगे वो होंगे रूट आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट यानी कि वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे, भिन्न होंगे, कंडीशन नंबर एक है। दूसरा, अगर बी स्क्वायर, इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो कि डिस्क्रिमिनेंट है इक्वल्स टू जीरो हो गया, यानी किसका वैल्यू जीरो हो गया, तो यहां पे क्या हो जाएगा, टोटल जीरो हो जाएगा, तो प्लस और माइनस आप जीरो को करेंगे तो जीरो ही आएगा, क्योंकि जीरो का स्क्वायर रूट जीरो ही होगा, तो इस केस में जो दो वैल्यू आएंगे वो माइनस बी बाई टू ए, क्योंकि जो दो वैल्यू आएगा वो होगा माइनस बी बाई टू ए एंड दूसरा वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस बी बाई टू ए, और दोनों वैल्यू क्या है दोस्तों सेम है लेकिन रियल नंबर होंगे, तो यानी कि इस केस में रूट्स हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे रियल तो होंगे बट सेम होंगे, समान होगा, रूट्स आर रियल एंड सेम, और इसमें रूट्स क्या हो जाएंगे, एक वैल्यू बी के साथ प्लस में, तो आप ये लिख सकते हैं पहला रूट हो जाएगा माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए, और दूसरा वैल्यू हो जाएगा माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए, जिस तरह से इसमें माइनस बी बाई टू ए माइनस बी बाई टू ए सेम हो गया, लेकिन इस केस में दो रूट हो जाएंगे माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का जो वैल्यू आएगा, और उस केस में एक प्लस के साथ होगा और एक माइनस के साथ, तो ये दो वैल्यू इसमें अलग अलग आएंगे और इसमें दो वैल्यू सेम आएंगे, लेकिन कंडीशन सी कहता है कि इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो, लेस देन जीरो यानी कि निगेटिव नंबर है, तो निगेटिव नंबर में क्या हो जाएगा, सपोज कीजिए माइनस पांच आ गया, तो माइनस पांच का स्क्वायर रूट आप क्या निकालेंगे, इमेजनरी होगा वो स्क्वायर रूट, एक्चुअल नहीं होगा, तो इमेजनरी आएगा, तो रूट्स भी क्या हो जाएगा इसका काल्पनिक हो जाएगा, इमेजनरी हो जाएगा, तो इस केस में रूट्स क्या हो जाएगा, रूट्स आर इमेजनरी यानी कि काल्पनिक, तो डायरेक्ट इक्वेशन डायरेक्ट एग्जामिनेशन में दोस्तों ये नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पूछ दिया जाता है कि इफ डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो देन व्हिच टाइप्स ऑफ रूट वी गेट इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर रूट्स जीरो के बराबर है तो किस तरह का रूट मिलेंगे, और अगर रूट डिस्क्रिमिनेंट जीरो से कम है तो हमें रूट्स किस तरह के मिलेंगे। अब कोई इक्वेशन, इसको आप निश्चित रूप से याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि मुख्य जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मेन फंडा वो यहीं से एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अब कोई एक एग्जाम्पल आप लीजिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2x² प्लस माइनस 5x + 3, अब इसका रूट आप इस फॉर्मूला से निकाल के देखिए, आप जो फैक्टर के मेथड से निकाले थे सेम उसी तरह का सॉल्यूशन इसमें भी आएगा। तो आप अगर पुट करते हैं दोस्तों, पहले आप ये देख लीजिए कि इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जब आप इसको चेक करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इसमें क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू क्या है माइनस 5, तो माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू क्या है 2 और सी का वैल्यू 3 है, तो 2 इंटू 3 5 को कहेंगे 25 माइनस 8 इंटू 24 इक्वल्स टू 1 हो गया, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 1, दिस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन फर्स्ट को इंडिकेट करता है, यानी कि ये रूट जो इसके आएंगे वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, वास्तविक होंगे और अलग होंगे, तो इसमें आप पुट कर देंगे अगर वैल्यू तो क्या आएंगे दोस्तों, बी का वैल्यू क्या आएगा माइनस बी, माइनस बी का वैल्यू माइनस 5, तो माइनस और माइनस 5 पहला जो रूट आएगा वो माइनस 5, और बी स्क्वायर माइनस 4ac आपने 1 निकाला, तो प्लस के साथ 1 का रूट बाय 2 इंटू ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू 2, तो 2 इंटू 2 यानी कि माइनस 5 माइनस इंटू माइनस 5 क्या होगा 5 प्लस 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा बाय 2 इंटू 4 हो जाएगा, यानी कि 6 5 प्लस 1 6 बाय 4 हो जाएगा, इसको आप काटेंगे तो 3 बाय 2 हो जाएगा, पहला रूट ये निकल जाएगा, और दूसरा रूट जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा, इसमें अगर माइनस के साथ लेंगे, अभी प्लस के साथ हमने लिया, अब माइनस के साथ लेंगे तो दूसरा रूट निकल जाएगा, तो दूसरा रूट जाएगा माइनस बी, तो माइनस बी की जगह पर माइनस 5 रखेंगे, तो माइनस इंटू माइनस 5 और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कि वैल्यू आपने 1 निकाला हुआ है, तो रूट अंडर 1 बाय 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 5 माइनस 1 बाय 4, यानी कि 5 माइनस 1 क्या है तो 4 बाय 4 क्या गया 3 इक्वल्स टू 1, यानी कि 1 और 3 बाय 2 इज द 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल नंबर। तो इसमें यही हमने निकाला था पहले वाली केस में भी कि इसका भी इस इक्वेशन का जो हमारा रूट आया था वो 1 और 3 बाय 2 ही आया था। तो इस तरह से दोस्तों आप और भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपके बुक में है उसको आप चेक कर सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, और इसका
इस रूट्स के जो फॉर्मूला है उसके मेथड से आप इसका रूट्स भी ज्ञात कर सकते हैं और नेचर ऑफ रूट्स मूलों की प्रकृति जो है वो भी आप देख सकते हैं। बाकी अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो हमारे कमेंट सेक्शन में आप जरूर से जरूर लिखें, मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट को दूर करें। और अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो, वीडियो को निश्चित रूप से लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक बाय बाय।